जी न्यूज इंडिया आप सभी देशवासियों से अपील करता है, समय समय पर अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, चेहरे पर मास्क अवश्य लगाएं और संभवतः घरों से बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप सुरक्षित, देश सुरक्षित। सिविल अस्पताल में अपग्रेड होगा लक्सर सीएचसी अस्पताल। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर व खानपुर की जनता को सीएचसी पर जल्द ही पहले से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। लक्सर बीजेपी विधायक संजय गुप्ता की मांग पर मुख्यमंत्री ने लक्सर सीएचसी को अपग्रेड कर राज्य संयुक्त चिकित्सालय बनाने की घोषणा कर दी है। विधायक की माने तो अगले महीने से सीएम की घोषणाएं पर अमल शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि इस समय कोरोना को लेकर सरकारी अस्पतालों के ऊपर सबसे अधिक दबाव है, इसी को देखते हुए अब लक्सर विधायक संजय गुप्ता सीएचसी अस्पताल पर स्वास्थ्य सुविधाएं को बेहतर करने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि अगले महीने से सीएम की घोषणा पर काम शुरू हो जाएगा। लक्सर तहसील में दो ब्लॉक है, खानपुर ब्लॉक और लक्सर ब्लॉक, और ये तहसील लक्सर ये खादर क्षेत्र है, अति पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इसमें जो है औद्योगिक क्षेत्र भी है, जो सिविल अस्पताल है उसके सभी मानकों को यह क्षेत्र पूरा करता है, और यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं ये स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत सुविधाओं से। और क्षेत्र में बहुत समय से मांग चली आ रही थी, तो मैंने हाथ जोड़कर माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी के सामने इस समस्या को रखा, तो उन्होंने ये स्वीकार किया। उन्होंने उस पर मेरे पत्र पर घोषणा लिख दी और कहा शीघ्र इस पर काम शुरू हो जाएगा। मैं अपनी सरकार और संगठन का दिल से बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और लक्सर क्षेत्र के लाखों लोगों की ओर से अपने मुख्यमंत्री जी का भी दिल की गहराइयों से स्वागत।